हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबह मयूर ब्लॉग। आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उसके लिए फिर आज मेरे दिमाग में प्लान आ गया है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक्चुअली आज जो बनाऊँगी ब्लैक गाजर का, ये आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने देखी हो, नहीं देखी हो तो मैं इसे कद्दूकस करके बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने कुछ कद्दूकस भी की हुई हैं गाजर, ये मैं कर रही हूँ। ये है ब्लैक गाजर, है ना, जिसे रेड गाजर भी कुछ लोग कहते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक गाजर का ही बनाऊँगी, और मैंने यहाँ पर रेड वाली भी ले रखी है, और आज मैं इनको मिक्स करके बनाऊँगी। एक्चुअली ना उसका कलर का थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, तो दोनों का ही। ये हाईली न्यूट्रिशियस होती है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और बाकी रेड वाली गाजर को मैं अपना मैं तैयारी कर रही हूँ, और जब ये हो जाएगी तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने गाजर का हलवा कैसे बनाया है। गाजर मैंने रेड वाली जो घिस ली थी, अब मैंने उसको यहाँ पर कुकर में बॉईल करने के लिए, मैं इसे थोड़ा सा बॉईल करूँगी, उसके बाद फिर इसको करूँगी। तब तक मैं दूसरी वाली प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी रेड वाली गाजर की, और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था ना कि ब्लैक गाजर को, फिर अब मैंने इसे घी में थोड़ा सा हल्का सा पहले इसे बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद इसको घी में हल्का सा मैं भून रही हूँ ताकि इसका जो भी पानी है वो सूख जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें दूध, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स यानी इलायची, ये मैं इसमें डालूँगी। जब तक ये हो रहा है यहाँ पर, इसे मैंने गैस पे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, और इसका पानी थोड़ा सा एवोपरेट हो जाएगा तो मैं इसमें मिल्क वगैरह सारा क्रीम वगैरह ऐड करूँगी। तब तक के लिए यहाँ पर मेरी लाल गाजर कस के बिल्कुल तैयार है, और मैं इसको जल्दी से कुकर में डाल के बॉईल करती हूँ। लोगों को गाजर का हलवा बनाना बहुत ही टफ लगता है, लेकिन मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। बस डाल के एक सीटी इसलिए इसमें बॉईल करती हूँ ताकि ये पकने में ज़्यादा टाइम ना ले, और इसका जो पानी है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करती, जो इसका इसमें ऑलरेडी जो वाटर प्रेजेंट होता है बस वही बॉइलिंग का इसमें काम करता है, और वो सारा पानी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। देखिए, इसी में ही वो पानी सूख जाएगा। इसे घी में मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ताकि गाजर थोड़ी सी भुनी भुनी सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना वो गाजर की, वो भी बहुत इसमें टेस्ट एक ऐड करती है। ये देखिए, ये मेरा हो गया, और इसके बाद मैंने इसको करके एक तरफ इसको भी बॉयल होने रख दिया। एक तरफ मेरी ये वाली गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और एक तरफ रेड वाली गाजर मेरी तैयार हो रही है। मैंने इसमें डालने के लिए, अपने हलवे में डालने के लिए थोड़े से आलमंड, केश्यू, और मैंने कुछ इलायची ली है। इनके छिलके को मैं रिमूव कर लूँगी, और इनके छिलके को मैं स्पेशली चाय वाय में डालने के लिए ना चाय पत्ती उसमें डाल देती हूँ, ताकि इनको भी मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। और इन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी इस नाइफ की हेल्प से। इस पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, आप देखेंगे हल्का हल्का पर्पल कलर आ रहा है, और मैं इसमें फ्रेश क्रीम अब ऐड करने जा रही हूँ, जो कि एक अच्छा सा टेक्सचर देगी। फिर मैं इसे थोड़ा सा बॉईल करूँगी, और उसके बाद फिर अपना हलवा मैं पूरा रेडी कर दूंगी। मैं ऐड करने वाली हूँ ये नरिश की सल्फर फ्री शुगर, और फ्रेंड्स ये मेरा गाजर का हलवा अप्रॉक्सीमेट रेडी हो चुका है। इसको मैं लो फ्लेम पे अभी और थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, बस इसके बाद इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है। और ये है मेरी लाल गाजर का टेस्टी और न्यूट्रिटिव गाजर का हलवा। इसके बाद फिर मेरा नंबर है लाल गाजर का हलवा बनाने के लिए,
और वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय, लव यू। फ्रेंड्स, ये मेरा लाल गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है गर्मा गर्म, और मेरी डॉटर इसमें अपने हाथों से, मैंने इसमें पहले भी ड्राई फ्रूट ऐड किए हुए हैं लेकिन मेरी डॉटर इसमें अपने हाथों से, इसकी जिद थी कि मम्मा मैं इसमें अब थोड़ा सा अपना करिश्मा ऐड करूँगी और इसके बाद साबुत नहीं इसने साबुत आलमंड होल आलमंड नहीं डालते लड्डू, प्यारा बच्चा है। केशव डाले थोड़े से, गार्निश अच्छे से करते यूं स्प्रेड करके। वाओ, बस बस बस, अब वो रेड वाले के लिए रहने दो बस। रेड वाला बन गया? अभी नहीं, अभी वो बनाऊंगी। कितना बनाऊंगी? मैं रेड वाला बनवाऊंगी और उसके बाद फिर ये? हाँ, वो इलायची में डाल दिया पहले, वो रहने दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रेड गाजर का हलवा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और होता ये बहुत टेस्टी है ना? क्यों लड्डू, आपको अच्छा लगता है? ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती है, नो ड्राई फ्रूट्स, नो हलवा एंड ऑल। चलिए ठीक है, से बाय बाय करिए, से बाय। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।